हेलो दोस्तों दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। और गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। उसके साथ ही जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लांट भी होता है। और जैसा कि दोस्तों, अभी जून का महीना और 10 दिन जून में बचा हुआ है, उसके बाद जो है दोस्तों, हमारे यहाँ पर मानसून आ ही जाना है। धीरे धीरे जो है दोस्तों, वो बारिश स्टार्ट हो ही जाएगी। इसलिए अभी जो है दोस्तों, आपको अपने पौधे में बहुत सारे ऐसे काम करने भी हैं, और तो और जो है दोस्तों, उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन देना भी है। जिन सारे लोगों को भी यह परेशानी थी, उनका जो पौधा था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, उसमें नई ब्रांचेज नहीं आ रही थी, उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम थी, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उनके पौधे में भी ये फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो है दोस्तों, अभी जब मानसून आएगा तो धीरे धीरे आपका जो पौधा है दोस्तों, वो फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा और फिर से उसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ भी आएगी, आपका पौधा फ्लावरिंग भी करेगा, नई ग्रोथ भी लाएगा, बेसल शूट्स भी लाएगा और अच्छे से हेल्दी होगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगी, केयर टिप्स भी बताऊँगी दोस्तों, और तो और जो है दोस्तों, मैं आप सभी को न्यूट्रिशन भी बताऊँगी कि आपको न्यूट्रिशन क्या देना है। इन सारी चीज़ों की सहायता से आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको केयर टिप्स को भी फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन देना ही हमारे पौधे के लिए ज़रूरी नहीं होता है, हमें अपने पौधे की अच्छे से केयर भी करनी होती है। तो सबसे पहला केयर आपको अभी अपने पौधे में जो करना है दोस्तों, वो ये जो सारी फ्लावर्स जो सूख चुकी हैं, इनको आपको अपने पौधे से सबसे पहले हटा लेना है। क्योंकि ये जब हमारे पौधे में रहती है तो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन को लेते रहती है, और हमारा जो पौधा है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में फोकस करते रहता है, तो वो नई ग्रोथ पे ध्यान नहीं लगा पाता है। इसलिए कभी भी आप इस तरह की फ्लावर्स को ना रखें। आप जितना जल्दी हो सके वो मुरझाए, और आप इन सारी चीज़ों को जो है दोस्तों, वो पौधे से हटा दें। उसके बाद पौधे में कहीं पर भी अगर सूखी हुई ब्रांचेज हैं तो आप उनको भी जितना जल्दी हो सके हटा दें। क्योंकि सूखी हुई जो ब्रांचेज होती है दोस्तों, वो मकड़ियों को अट्रैक्ट करती है, मकड़ियों को बुलाती है, और मकड़ियों के कारण क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है वो सूखने लगता है। आप देखोगे कि ऊपर से जली जली होती हैं, तो वो भी जो करती हैं दोस्तों, वो मकड़ियाँ ही करती है। मकड़ियाँ क्या करती है, हमारे पौधे के जो ऊपर के टिप के रस होते हैं, उन रस को ही ले लेती है, और पौधा क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो बस आपको इस तरह की भी गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है कि जो भी ब्रांचेस सूखी हुई हैं उनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। उसके बाद तीसरा चीज़, अभी जो आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, वो यह है, वो है सकर ब्रांच। क्योंकि अभी जो है दोस्तों, वो पौधे में बहुत ही ज़्यादा सकर ब्रांच भी निकलने की चांसेस देखने को मिलती है। और सकर ब्रांच की पहचान आप कैसे करोगे, आप देखोगे दोस्तों, वो लाइट ग्रीन कलर की होती है, देख सकते हैं इस तरह की लाइट ग्रीन कलर की होगी। और तो और जो है दोस्तों, वो ग्राफ्टेड नोड जो होता है पौधा का, वो ग्राफ्टेड नोड के नीचे से निकलती है। तो ग्राफ्टेड नोड के नीचे से निकला हुआ जो भी ब्रांच होता है दोस्तों, वो सकर ब्रांच होता है। तो उनको आप अपने पौधे में बिल्कुल भी ना रखें, जितना जल्दी हो सके आप अपने पौधे से उसको हटा दें। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक निकल के आ रहा है, तो ये ग्राफ्टेड नोड से ही निकल रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये एक बेसल शूट से, और एक वीडियो में मैंने दिखाया था दोस्तों 2 दिन पहले के ही वीडियो में, कि ये जो था तो ये कितना ही छोटा था। और अभी देख सकते हैं, मैंने जब न्यूट्रिशन दिया हुआ था तो इस पौधे का, ये ब्रांच का थी बेसल शूट्स का ग्रोथ देख सकते हैं, कितना ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और ये कितना ही ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों, एकदम मोटी साइज की निकल के आ रही है। तो पौधे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा बेसल्स लेने की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसमें भी आप पहचान करें कि सकर ब्रांच ना हो, आप बेसल शूट्स पर ही ध्यान दें। देख सकते हैं यहाँ से भी एक बेसल शूट्स निकल के आ रही है। कुल मिला के हमारे पौधे की ग्रोथ जो है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी हो रही है। उसके बाद तीसरा काम आपको जो करना है दोस्तों, वो समय समय पे पौधे पे आपको पानी देते रहना है। पानी आपको नियमित तौर पे देना है, एकदम चिपचिपी मिट्टी आपको नहीं रखना है। मिट्टी जब सूख जाए तब आप उसमें पानी दें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। गमले की मिट्टी में नीचे नमी बनी रहे, ये ज़रूरी है, लेकिन पूरा ही चिपचिपी रहे ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। गमले की मिट्टी में नमी को बनाए रखें, लेकिन एकदम चिपचिपी ना रखें, और एकदम सूखने भी ना दें। जब पूरे अच्छे से गमले की मिट्टी सूख जाती है, तब भी हमारा जो पौधा का न्यू ग्रोथ आता है, वो जो है दोस्तों, वो जलने लगता है। तो इस तरह की गलती आप ना करें, अपने पौधे की बहुत ही अच्छे से केयर करें, बहुत ही अच्छे से देखभाल करें। तो ये जो चारों टिप्स मैंने बताया दोस्तों, ये चारों ही टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, चारों ही टिप्स को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो उसके बाद चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ। तो फर्टिलाइज़र के तौर पे आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है दोस्तों वो हमारे पौधे को ख़राब कर देता है। और जैसा कि अभी गर्मी हो रही है और केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो गर्म होता है, तो गर्मी में जब आप गर्म गर्म किसी चीज़ को अपने पौधे में दोगे, जैसे हम लोग भी जो है दोस्तों, हम जो इंसान हैं वो गर्मी में गर्म चीज़ खाना अवॉइड करते हैं, तो अगर गर्मी में आप अपने पौधे को कोई गर्म चीज़ दे दोगे तो जेन्युइन है कि वो आपका पौधा के रूट्स को ही ख़राब कर देगा। और पौधा का अभी गर्मी में जो मेन रोल प्ले करता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा रूट्स ही मेन रोल प्ले करता है। पौधा का रूट्स बहुत ही अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, तो पौधे का ग्रोथ भी जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा होता है। आप मेरे इस पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, इस पौधे का इतना अच्छा ग्रोथ है, इतना हेल्दी है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसका जो पौधा का रूट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, तभी पौधा इतना अच्छा हेल्दी है और एकदम स्वस्थ बना हुआ है। तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पौधे के रूट्स पे ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उसके गमले की मिट्टी को एसेटिक बनाए रखने की भी ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आपके पौधे के लिए एक बेहतरीन फीड भी होगा और वो आपके गमले की मिट्टी को जो है दोस्तों वो एसेटिक भी बनाए ही रखेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्टिलाइज़र के तौर पर आज हमने क्या लिया हुआ है। तो फर्टिलाइज़र के तौर पे आज हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों ये हमारे किचन से निकले हुए कुछ छिलके हैं और इनको जो है दोस्तों हमने भिगो के कम जो है दोस्तों 24 आवर के लिए छोड़ दिया हुआ था। तो ये कौन कौन से छिलके हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं ये जो पहला नंबर पर हमारा छिलका है ये है प्याज का छिलका और ये डेली ही तौर पर जो है दोस्तों सारे ही लोगों के किचन में ये निकलता ही निकलता है। तो ये पहला हमने प्याज का छिलका लिया हुआ है, ये सल्फर का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और तो और जो है दोस्तों पोटेशियम फॉस्फोरस का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और तो और जो है दोस्तों ये हमारे पौधे में रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। और दूसरा जो हमने छिलके लिए हुए हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं वो है ये लहसुन के छिलके। लहसुन का छिलका भी जो होता है दोस्तों वो हमारे पौधे में किसी भी तरह की अगर फंगस वगैरह लगी होती है तो उससे जो है दोस्तों छुटकारा दिला देता है। और तीसरा छिलका जो हमने लिया हुआ है वो देख सकते हैं वो है ये नींबू का छिलका और नींबू का छिलका में जो दोस्तों पोटेशियम की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है और तो और जो दोस्तों ये हमारे गमले की मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपाई भी कर देता है और गमले की मिट्टी को एसेटिक बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो ये तीनों ही छिलके जो आज हमने लिए हुए हैं दोस्तों, ये अभी गर्मी में सारे ही लोगों के किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ हमने जो है दोस्तों वो थोड़े थोड़े छिलके लिए हुए हैं, उतना ज़्यादा भी हमने नहीं लिया हुआ है। ये एक प्याज का छिलका होगा तो जो है दोस्तों हाफ नींबू का छिलका है और हल्की से जो है दोस्तों 3-4 कली लहसुन के छिलके हैं। तो इनको हम लोग छान के सबसे पहले निकाल लेंगे क्योंकि छिलके जो होते हैं दोस्तों ये गमले में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। छिलके जब गमले में चल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, फंगस पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से आप छिलके को छान ले, उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 लीटर पानी के लिए बना के बताया हुआ है आप सभी को, तो मैं 1 लीटर का ही मेजरमेंट बताऊँ और 1 लीटर के हिसाब से ही जो है दोस्तों आपको छिलका लेना है। और देख सकते हैं सारे ही छिलके जो हैं वो पानी न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुके हैं, तो छिलकों का पानी का कलर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में ये जो भी फर्टिलाइजर बना है दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। अब जो भी गमले में आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, अगर आप उस गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं किए हो ज़्यादा टाइम से, तो फिर आप जो है दोस्तों गमले की मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लें बहुत ही अच्छे से, उसके बाद गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है दोस्तों वो गुड़ाई करके और पौधे में बर्मी कम्पोस्ट डाला हुआ था, तो मैं क्या करूँगी इस तरह से ऊपर से डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को जो है दोस्तों 2 गमले में आपको देना है, 2 गमले में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आपको उतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि पौधे के ड्रेनेज से पानी निकल जाए, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। तो हमें अगर ड्रेनेज से निकल जाएगा तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें उतना ही देना है। मतलब हाफ हाफ लीटर करके 2 गमले में दे दो। ये दोनों ही गमला जो है दोस्तों, ये मेरा 8 इंच का गमला है, तो हाफ हाफ लीटर दोनों ही गमले के लिए एकदम काफ़ी है। तो हमने दोनों ही गमले में दे दिया है दोस्तों, और ये हमारे पौधे में 15 दिन में या फिर 1 हफ्ते में जो है दोस्तों इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो भी न्यू ग्रोथ आएगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आपके पौधे में बेसल शूट्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसल शूट्स के लिए जो है दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ही डाल सकते हो, आपके पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसमें आपके पौधे में ज़्यादा खर्चे भी नहीं लगेंगे, 1 रुपए का कोई खर्च नहीं है दोस्तों, और पौधे में रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और फ्लावर्स के जो अगर फ्लावर्स आएंगे तो फ्लावर्स के साइज़ भी जो होंगे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे होंगे, बड़े बड़े साइज़ के और एकदम ब्राइट ब्राइट कलर के फ्लावर्स आएंगे और जो भी ग्रोथ आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, एकदम हेल्दी आएगी। तो इस तरह से हमें अपने पौधे की केयर भी करनी होती है दोस्तों, केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो भी केयर टिप्स आप सभी को बताया उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, केयर टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है ही।
उसके बाद जो है दोस्तों आप न्यूट्रिशन देने पे फोकस करें। तो इस तरह से आपको जो है दोस्तों इस तरह से केयर करना है। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है। और तो और जो है दोस्तों आपको केयर टिप्स को इस महीने ही फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।